हेलो माय डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल टूडेज डेट इज सेकेंड दिसंबर 2020 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज क्लास फाइव बुक टाइम टेल्स माय डियर स्टूडेंट्स रीडिंग द चैप्टर चैप्टर 18 वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन हम लोग चैप्टर 18 के बारे में पढ़ रहे थे जिसका नाम है वर्किंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े ऑर्गेस ऑफ द यूनाइटेड देशन के बारे में तो इसमें हम लोग पढ़े जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटेरिएट के बारे में ठीक है ट्रस्टीशिप काउंसिल द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टेब्लिशड टू सुपरवाइज द गवर्नेंस ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज ट्रस्टीशिप काउंसिल को क्यों एस्टेब्लिश किया गया कि वो जो ट्रस्ट टेरिटरीज का जो गवर्निंग काम है उसको सुपरवाइज कर सके उसको अच्छी तरह से उन्हें गाइड कर सके उनके काम को लेके ओके गवर्नेंस काम को लेके गवर्नेंस कौन करता था ट्रस्ट टेटोरिस करते थे उनका काम को लेके उसे गाइड कर सके द ट्रस्ट टेटोरिस वे द टेटोरिस दैट वेर अब ट्रस्ट टेटोरिस कौन थे द ट्रस्ट टेटोरिस क्या थे टेटोरिस थे जो कि दैट वेर प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जिसे यूनाइटेड नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी के अंडर पे रखा गया था

कि उसका जितना भी ट्रस्ट था उन लोगों ने अपने आप में सेल्फ गवर्नमेंट या फिर इंडिपेंडेंस उन्हें मिल गया था इस वजह से ट्रस्टिप काउंसिल को सस्पेंड किया गया 994 में ओके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक जुडिशियल ऑर्गन है किसका यूनाइटेड नेशन का इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेटल डिस्प्यूट्स एंड एडवाइस लॉज उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था जितना भी डिस्प्यूट हो उसे है, उनका को के जितना भी था और देते थे राइट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनल लॉ को लेकर कोई भी अगर बात होता था मेंबर स्टेट्स के बीच तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करते थे उन्हें एडवाइस देते थे okay? इट कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन जजेस इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ नाइन ईयर कितने जजेस को इलेक्ट किया जाता था जजेसाइफ फिफ्टीन जजेस को इलेक्ट किया जाता था कितने साल के लिए नाइन ईयर्स के लिए ओके सेक्रेटेट द सेक्रेटेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दू डे वर्क ऑफनाइटेड नेशन एज रिक्वर्ड बाई इट्स अदर ऑर्गेस सेक्रेटेट क्या है रिस्पॉन्सिबल है हर दिन का काम यूनाइटेड नेशन को यूनाइटेड नेशन का जो हर दिन का काम है उसको कैरी मतलब उसको लेके चलना रिस्पॉन्सिबल कौन है सेक्रेटेरिएट है ओके द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज द सेक्रेटरी जनरल द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है ऑर्गेनाइजन का सेक्रेटरी जनरल है ओके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल है ठीक है तो आप समझ गए तो हम चाहते हैं इसे घर में पढ़ के समझने की कोशिश करें थैंक यू